अच्छा जी, तो लास्ट हमने ये सी एस एस सेलेक्टर सारे कवर कर लिए थे, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके अंदर? अच्छा, अब हम उसको आगे चलते हैं। और सी एस एस रूल कैस्केड, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने देखा कि सी एस एस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, राइट? तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट में कैस्केड का क्या मतलब है? कोई किसी को पता है अंग्रेजी में कैस्केड किस चीज़ को कहते हैं? गूगल कर सकते हैं आप, बिल्कुल। एक के बाद दूसरा बोलो बोलो। सीक्वेंशियल होता है, एक के बाद दूसरा। अच्छा, करीब करीब बताया तुमने, लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो नहीं बोला तुमने। स्टेप बाय स्टेप हाँ भाई, वाटरफॉल। टॉप टू बॉटम सीक्वेंशियली। जो आपने बोला है ना कि वाटरफॉल, तो वाटरफॉल में जो पानी नीचे की तरफ आता है ना, तो उसको, उसी फेनोमेना को हम कहते हैं कैस्केडिंग वाटर। वाटर क्या हो रहा है? वो कैस्केड हो रहा है ना। अच्छा, अब उसमें आप नोट करेंगे कि वाटरफॉल जो होता है, सम टाइम तो बिल्कुल ही 90 डिग्री होता है ना, डायरेक्ट पानी नीचे गिर रहा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना कैस्केड, तो सम टाइम ऐसे आ रहा होता है वाटर नीचे, स्टेप बाय स्टेप आ रहा होता है। तो जैसे वाटर है ना, ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। अब भले उसको सीधा मिल जाए जगह, या थोड़ा प्लेन भी मिले ना, तो प्लेन में भी अपनी जगह वो खुद बना लेता है, ठीक है? अच्छा, लेकिन इसमें एक बात तय होती है कि जो पहले जो पानी आ गया, उसके बाद जो पानी आएगा वो उसके ऊपर आएगा, सही है? और स्टेप बाय स्टेप वाली भी बात आ गई। अब ये कैस्केड एक पूरा फिनोमेना है, वो इस फिनोमेना से उन्होंने क्या कहते हैं, समझ लें कॉन्सेप्ट को बोरो करके ना, और स्टाइल शीट में भी ये फिनोमेना किया है। अभी हम उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या चक्कर है वो। अच्छा, तो तीन इन्होंने रूल बताए हैं जिसके तहत क्या होता है, सी एस एस रूल जो है ना, इस रूल के तहत कैस्केड होता है। यानी इस रूल के तहत ये चल रहा है, जैसे पानी है ना, पानी जब गुजर रहा होता है हम क्या कहते हैं, चलता हुआ पानी है। तो सी एस एस भी जब चलती है ना, तो उसी पानी की तरह चलती है। तो ये तीन रूल में उसको इन्होंने सम अप करने की कोशिश की है, इस पूरे फिनोमेना को कैस्केडिंग के। सो इफ देयर आर टू और मोर रूल्स दैट अप्लाई टू द सेम एलिमेंट, अब अगर मैंने एक ही एलिमेंट पे लाइन नंबर 10 में, सी एस एस में भी लाइन नंबर्स होती है ना, तो लाइन नंबर 10 में सी एस एस के मैंने कहा कि यार ये H1 है, इसको आप कलर कर दो रेड। अच्छा, फिर लाइन नंबर 200 पे जाके मैंने उसी H1 को दोबारा कहा कि इसको आप कर दो ग्रीन, तो अब वो क्या रेड होगा या ग्रीन होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि भाई इफ देयर आर टू और मोर रूल्स अप्लाई टू द सेम एलिमेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड विच विल टेक प्रिसिडेंस। ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा वाला प्रिसिडेंस पे पाएगा और कौन सा वाला नहीं पाएगा। तो प्रिसिडेंस का भी ये तीन रूल कि जी लास्ट रूल को प्रिसिडेंस होगी। इफ़ टू रूल्स, इफ़ टू सेलेक्टर्स आर आइडेंटिकल एंड लेटर ऑफ टू विल टेक द प्रिसिडेंस। कह रहे हैं कि अगर दो सेलेक्टर्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, यानी सेलेक्टर का मतलब जैसे मैंने टाइप सेलेक्टर में H1 लिख दिया, अगर तो अगर दो आइडेंटिकल सेलेक्टर हैं, तो उसका मतलब है वो एक ही एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर दो एक जैसे सेलेक्टर आ जाते हैं, तो जो बाद में आएगा, ठीक है, उसकी प्रिसिडेंस होगी, वो अप्लाई हो जाएगा, जो पहले था वो ओवरराइट हो जाएगा। हेयर यू कैन सी द सेकेंड आई सेलेक्टर, स्टॉप और साइलेंट। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कुछ, ये सामने एग्जांपल है, इसमें से कुछ जिक्र कर रहे हैं ये।
कि यहाँ पे ना आई सेलेक्टर लगाया हुआ है इन्होंने, सही है, यानी इटैलिक के टैग के ऊपर ये कलर ग्रीन और कलर रेड करने की कोशिश की है, लेकिन ये कह रहा है कि आप जब इसको लगा कर देखेंगे तो एक्चुअली क्या होगा, जो सेकंड वाला है ना वो अप्लाई होगा, फर्स्ट वाला अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद स्पेसिफिसिटी, कि अगर एक सेलेक्टर ज़्यादा स्पेसिफिक है तो वो अप्लाई होगा। एक तो लास्ट वाला है, मिसाल के तौर पे अगर दो सेलेक्टर्स लगे हुए हैं, एक पहले है एक बाद में, लेकिन बाद में आने वाला सेलेक्टर ज़रा ज़्यादा स्पेसिफिक है तो ज़्यादा स्पेसिफिक वाले को प्रेसिडेंस मिलेगी। मिसाल के तौर पे जो H1 है ना वो मोर स्पेसिफिक है देन स्टेरिक। स्टेरिक जो जर्नल है कि भाई सब पे ही अप्लाई कर दो, सही है। अच्छा, इसी तरह H1 भी जो है वो स्टेरिक से तो ज़्यादा स्पेसिफिक है, लेकिन वैसे ये इतना ज़्यादा भी स्पेसिफिक नहीं है, इससे ज़्यादा स्पेसिफिक सेलेक्टर भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये H1 कहता है कि यार तमाम H1 के एलिमेंट पे लगा दो, लेकिन यहाँ नीचे आके आप देखें ये कह रहा है कि पैराग्राफ के अंदर जो B है उस पर लगाओ, तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, है ना। अगर मैं बोलूँ कि भाई पैराग्राफ के अंदर जो H1 है उस पर लगाओ, तो फिर ये H1 और स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर और आप देखें कि पी हैश इंट्रो, यानी कि ये कह रहा है कि पैराग्राफ के अंदर एक ID होगी इंट्रो के नाम से, उस पर लगाओ जाके। पैराग्राफ के अंदर क्या किया हुआ है, किसी कुछ हिस्से को इन्होंने रैप किया हुआ है और उसको इंट्रो का ID दी दिए, तो ये और ज़्यादा स्पेसिफिक है। क्यों ज़्यादा स्पेसिफिक है, क्योंकि ID जो होती है वो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही एलिमेंट को दी जाती है, किसी और एलिमेंट को वो ID नहीं दी जा सकती। तो मैंने एक तो पी बता दिया कि भाई पैराग्राफ होना चाहिए और उसके अंदर एक ख़ास किस्म की ID है, तो पूरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जो इसके अगेंस्ट मिलेगा, ठीक है, एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा ही नहीं। तो दिस इज़ द जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक इस तीनों के अंदर है वो ये वाला हो गया। इम्पॉर्टेंट, ये तीसरा वाला आ गया, ठीक है। दो बातें यहाँ पे बताई, लास्ट रूल स्पेसिफिसिटी और इम्पॉर्टेंट। कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, ऐसे इम्पॉर्टेंट हाथ से भी लगा सकते हैं, तो उसकी जो प्रेसिडेंस है वो उन दोनों से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कभी ज़रूरत पड़ती है हम लगा देते हैं इम्पॉर्टेंट, वेल इम्पॉर्टेंट इस तरह से लगाना दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आपकी CSS में अगर आपने ज़्यादा जगहों पर ये इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल किया हुआ है तो कोई भी आपका कोड देखेगा ना तो वो समझ जाएगा कि आपको काम वाम नहीं आता, सही है। तो ये इम्पॉर्टेंट इन द फर्स्ट प्लेस आपको लगाने की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये मजबूरी की सूरत में लगाया जाता है कि कहीं अगर कोई CSS फ्रेमवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने कोई मतलब उन्होंने कोई ऐसा भंड मारा हुआ है अपने एंड पे, या उनके पास कोई ऐसा बग है तो उसको टैकल करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ आपने अगर पूरी CSS खुद लिखी है तो इसको लगाने की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए और मसला क्या होगा इसको लगाने से, सबसे बड़ा मसला तो ये होगा कि किसी एक एलिमेंट पे आपने लगा दिया इम्पॉर्टेंट, अब बाद में आप उसको खुद ओवरराइट नहीं कर सकते। अब उसको ओवरराइट करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट लगाना पड़ेगा आपको, सही है ना। मतलब दो सेलेक्टर्स हैं, एक में इम्पॉर्टेंट लगा हुआ है, उसके बाद आने वाला सेलेक्टर जो है अगर सेम सेलेक्टर उसके बाद आ जाता है तो उसको ओवरराइट थोड़ी करेगा वो, फिर इम्पॉर्टेंट लगा के ओवरराइट करवाना पड़ेगा। तो लिहाजा एक जगह आपने इम्पॉर्टेंट लगाया तो फिर आपको बहुत सारी जगहों पे उसकी वजह से इम्पॉर्टेंट लगाना पड़ेगा अपनी CSS के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट जो है ये एक अवेलेबल टूल तो है, लेकिन ये वो टूल है जिसको हम यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें ये कुछ इन्होंने HTML लिखी हुई है इधर, उस पर कुछ CSS लगाया हुआ है और उसके नीचे जो है कुछ कुछ उसका रिज़ल्ट दिख रहा है। अच्छा, HTML में क्या है जी, एक H1 है, एक पैराग्राफ है दैट इज़ कॉल्ड इंट्रो, और उसके अंदर इटैलिक के और बोल्ड के टैग्स हैं, और दूसरा पैराग्राफ जो है वो बग़ैर किसी ID के है। स्टेरिक लगा के सबसे पहले तो इसने फॉन्ट चेंज कर दिया, तो वो पूरे पूरे पेज का ही फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है, फॉन्ट फैमिली करके फॉन्ट चेंज किया। अभी हम फॉन्ट को देखते हैं कि वो किस तरह से कर रहे होते हैं हम फॉन्ट के साथ।
अच्छा, फिर इसने बोला कि यार स्टैरिक पे तो चलो जो लगाना था लगा दिया हमने, तो ये सब पे अप्लाई हो गया। फिर इसने बोला एच वन पे कौन सा लगा दो, कोरियर न्यू लगा दो। तो लिहाजा अब क्या होगा, सिर्फ एच वन के ऊपर जो है ये फॉन्ट फैमिली ओवर राइट हो जाएगा, बाकियों पे ओवर राइट नहीं होगा। ये आप नोट कर रहे हैं, ओवर राइट करवाने की भी हमें इस तरह से ज़रूरत पड़ रही होती है कि जी हमें सब पे जो है एक फॉन्ट लगाना है और एच वन पे एक फॉन्ट लगाना है। तो एक तो तरीका ये हो गया पहले एच वन पे लगाऊँ और उसके बाद बारी 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 सबका नाम लेके फिर कितने सारे एलिमेंट हैं मैं किस किस का नाम लूँगा, है ना। तो लिहाजा क्या होगा कि इसको इस पॉइंट पे मुझे ओवरराइड कराने की देखो कितनी सख्त ज़रूरत पड़ी है। तो मैंने कहा कि यार स्टैरिक करके फॉन्ट फैमिली ये लगा दो, तो पूरे पे अप्लाई हो गया एच वन समेत। फिर एच वन पे मैंने कुछ और लगवा दिया अगली लाइन में, तो प्रेसिडेंस ये सेकेंड वाली की आ जाएगी। तो सिर्फ एच वन पे एक डिफरेंट फॉन्ट है, बाकी पूरे पेज पे एक जैसा फॉन्ट है। अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगाया होता तो ये नीचे वाले में भी लगाना पड़ता। और जहाँ जहाँ फॉन्ट चेंज होता, हो सकता है कोई एक पैराग्राफ का मुझे फॉन्ट कुछ और करना पड़े, अब है ना लेटर ऑन दिस डॉक्यूमेंट, कि मुझे कोई एक छोटा सा पैराग्राफ कहीं नोट दिखाना चाह रहा हूँ मैं साइड पे किसी कोने पे, उसका फॉन्ट मुझे करवाना है मिसाल के तौर पर कोई सैन सेरिफ या रोबोटो या कोई ऐसा कोरियर वगैरह टाइप का कोई ऐसा फॉन्ट जो बिल्कुल अलग हो। नोट्स के लिए आपको पता है बिल्कुल डिफरेंट फॉन्ट यूज़ करते हैं, तो वो भी मुझे फिर उसमें भी इम्पोर्टेंट लगाना पड़ता अगर मैं इसमें लगा देता तो। अच्छा वेल, अब आगे इन्होंने क्या किया, आई का जो टैग है इटैलिक का जो कि डॉजन्स जो लिखा हुआ है इस ये आई के टैग में लिखा हुआ है यानी कि इटैलिक हुआ है, इसका कलर पहले ग्रीन किया है फिर रेड किया है, लेकिन नीचे कौन सा कलर दिखता है मुझे, नीचे रेड दिखता है, ग्रीन नहीं दिखता मुझे क्योंकि बाद में आने वाला जो उसकी प्रेसिडेंस है। अच्छा, उसके बाद बोल्ड का जो टैग है उसको इन्होंने पिंक किया है, बोल्ड का टैग जो इन्होंने उसको पिंक किया। बोल्ड का टैग किधर है, ये है पोटैटो, बोल्ड का टैग पिंक किया है। लेकिन उसके बाद क्या किया इन्होंने कि इन्होंने बोला पैराग्राफ के अंदर जो बोल्ड है उसका कलर कर दो ब्लू और साथ में इम्पॉर्टेंट भी लगा दिया, यानी दोनों बातें यहाँ पे आ गई, एक तो मोर स्पेसिफिक भी हो गया ऊपर से इम्पॉर्टेंट भी लगाया हुआ है। तो नीचे मुझे कौन सा कलर दिखना चाहिए, मुझे ब्लू दिखना चाहिए, ब्लू दिख रहा है, सही है। एक्चुअली ब्लू नहीं दिख रहा मुझे, वॉयलेट दिख रहा है क्योंकि उसी रूल पे इन्होंने बाद में वॉयलेट भी लगा दिया। अब आई एम नॉट श्योर, इसको लगा के देखना पड़ेगा, कोई एक इसमें से दिख रहा होगा, आई थिंक के ब्लू ही दिख रहा होगा क्योंकि स्पेसिफिसिटी इन दोनों की तो बिल्कुल सेम है, बट एक पे इम्पॉर्टेंट लगा हुआ है, तो जिस पे इम्पॉर्टेंट लगा हुआ है वो वाला नज़र आना चाहिए। ठीक है, तीन रूल है, तो इस वाले पे इन्होंने तीनों ही अप्लाई किया हुआ है, इस वाले पे इन्होंने तीनों अप्लाई किया हुआ है, तो जिस पे तीनों अप्लाई किया हुआ है वो दिखना चाहिए, वॉलेट नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, फिर इन्होंने बोला कि यार पैराग्राफ इंट्रो आईडी वाला और उसका साइज़ हो जाए 100%, और सिर्फ पैराग्राफ करके बोला है कि पैराग्राफ का साइज़ हो जाए 75%। ठीक है, तो आप देखें इस पैराग्राफ का साइज़ और इस पैराग्राफ का साइज़ ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं क्योंकि दो पैराग्राफ है मेरे, एक है ये आईडी वाला पैराग्राफ और एक है बगैर आईडी वाला पैराग्राफ। तो जो आईडी वाला पैराग्राफ था उसको 100% करवाया इन्होंने और वैसे जो है इस पर 75% करवा दिया। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं अगर पलट भी दूँ यानी इंट्रो वाले को बाद में कर दूँ और पैराग्राफ को पहले कर दूँ तो भी ये फिनोमेना सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर पहले पैराग्राफ इस वाले को करूँगा मैं तो सबका 75 हो जाएगा सारे पैराग्राफ्स का, फिर एक पैराग्राफ का जो 100 हो जाएगा, तो मुझे स्क्रीन पे अगर इसको पलट भी दूँ तो सेम दिखेगा। इनहेरिटेंस, अच्छा इनहेरिटेंस, अंग्रेज़ी में इनहेरिटेंस किस चीज़ को कहते हैं, विरासत को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, HTML के अंदर भी और CSS के अंदर भी CSS की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इनहेरिट हो सकती हैं, सही है। मिसाल के तौर पे अगर पेरेंट का फॉन्ट का कलर रेड था तो क्या चाइल्ड उसके अंदर जो बनेगा उसका भी फॉन्ट का कलर रेड होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर इनहेरिट हो जाता है तो रेड होगा, अगर इनहेरिट नहीं होता है तो वो रेड नहीं होगा, ठीक है, वो ब्लैक होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है सारा फॉन्ट का कलर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस बारे में क्या बात हो रही है। इफ़ यू स्पेसिफाई द फॉन्ट फैमिली और कलर प्रॉपर्टी ऑन बॉडी एलिमेंट दे विल अप्लाई
टू मोस्ट चाइल्ड एलिमेंट्स, के ये दो प्रॉपर्टीज ने ऐसी बताई फॉन्ट फैमिली और कलर, कि अगर ये आप लगाते हैं ना किसी भी पेरेंट के ऊपर, बॉडी की बात नहीं है, किसी भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप लगाते हैं तो उसके जितने चाइल्ड होंगे ना अंदर, उन पे भी ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने तमाम चाइल्ड नहीं कहा, मोस्ट चाइल्ड का है। मोस्ट चाइल्ड इस वजह से गए क्योंकि शायद कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिस पे फॉन्ट अप्लाई होता ही नहीं है, जैसे इमेजेस हैं उस पे फॉन्ट अप्लाई नहीं होता, इमेज में फॉन्ट होता ही नहीं है, तो शायद इस वजह से इन्होंने मोस्ट चाइल्ड का है। दिस इज़ बिकॉज द वैल्यू ऑफ फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी इज़ इनहेरिटेड बाई चाइल्ड एलिमेंट्स, ठीक है। अब सी एस एस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो इनहेरिटेड होती हैं, तो वो वाली जो होगी ना उसमें ये इनहेरिट हो जाएगा, और कुछ होती हैं जो इनहेरिट नहीं होती हैं, वो भी अभी बताएगा ये कि कौन सी होती है वो, ठीक है। इट सेव्स फ्रॉम हैविंग टू अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज एज मैनी एलिमेंट्स इन दिस शीट, ओके। यू कैन कंपेयर दिस विथ द बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर प्रॉपर्टी, दे आर नॉट इनहेरिटेड। बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर जो है, ये दोनों क्या है, ये इनहेरिटेड नहीं है। अगर आप ये किसी पेरेंट के ऊपर लगाते हैं तो उसके चाइल्ड के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इफ़ दीज वर इनहेरिटेड बाई चाइल्ड एलिमेंट देन पेज कुड लुक क्वाइट मैसी। अब इसको इनहेरिटेड क्यों नहीं रखा गया है बाई डिफ़ॉल्ट, क्योंकि जो सी एस एस जिसने भी बनाई है उसके हाथ में था ना ये, कि किसको इनहेरिट करना था किसको नहीं करना था, तो इसने ये रीज़न बताया कि ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर इनको इनहेरिट कर दिया जाता तो वो पूरा आवे कावा बिगड़ जाता, पेज बहुत मैसी लगता, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने जब अभी हम सेलेक्टर पढ़ रहे थे तो हमने स्टेरिक लगा के बॉर्डर लगाया था, तो आपने देखा था वो पूरे पेज में डब्बे डब्बे बने हुए आ गए थे, तो उस तरह की सिचुएशन ना हो जाए। तो लिहाजा इसको क्या किया गया, इन दोनों तीनों प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने इनहेरिट नहीं रखा। अच्छा, अब कौन कौन सी वो प्रॉपर्टी हैं जो इनहेरिटेड हैं, वो लिस्ट कहाँ से मिलेगी, अब वो लिस्ट अभी हम देख लेते हैं। मैंने कहा कि सी एस एस में ना मुझे इनहेरिट और अन इनहेरिट वाले जो है ना वो दे दो, इनहेरिटेंस, सही है। एम डी एन पे मैं आ गया, इनहेरिटेंस के अंदर इन्होंने एक लिस्ट मोस्ट प्रॉब्ली बनाई हुई होगी, अगर यहाँ पे नहीं बनाई हुई तो फिर हम वहाँ चले जाएंगे चैट जीपीटी के पास, ओके नहीं बनाई हुई है। खुल जा सिम सिम, ये आ गया जी, ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज की लिस्ट आ गई सारी, सही है। इसको देख लो, इसमें जो है वो फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट वगैरह, ठीक है, पैडिंग और मार्जिन है। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि इसमें कुछ हलुसिनेशन शायद हो गई है इसकी, क्योंकि पैडिंग और मार्जिन तो इनहेरिट नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मतलब जितना मैंने बॉडी को दिया है उतना ही चाइल्ड तो नहीं लेता, हाँ चाइल्ड उससे इफेक्ट ज़रूर हो जाता है लेकिन चाइल्ड लेता तो नहीं है वो मार्जिन, ठीक है। अच्छा, ये फिर वो आ गई प्रॉपर्टी विर्थ हाइट की, अगर किसी पेरेंट को आपने विर्थ दी है और हाइट दी है तो चाइल्ड को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाइल्ड का अगर साइज़ बड़ा है तो वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है, बाहर जाना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अपनी विर्थ को चेंज नहीं करता, ठीक है। इसीलिए इसी तरह बॉर्डर रेडियस, पोजीशन, डिस्प्ले बिल्कुल ठीक, ठीक है, ओवरफ्लो, जेड इंडेक्स बिल्कुल ठीक है, ओपेक्सिटी भी इसी तरह है, ठीक है जी, आउटलाइन, आउटलाइन स्टाइल। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट देख ली। अच्छा, वेल, अगर ये हमें ना भी पता हो इसकी लिस्ट तो क्या होगा कि जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो हमें वैसे ही फील हो जाता है कि अच्छा जी ये चाइल्ड पे भी आ रहा है तो इसका मतलब है इनहेरिटेड है। Why use external style sheet? अच्छा, ये मैंने आपको बताया था हेलो वर्ल्ड जब हम कर रहे थे सी एस एस का, उसी वक्त बता दिया था। बताओ मुझे कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्यों यूज़ करनी चाहिए हमें, एक्सटर्नल स्टाइल शीट ही क्यों यूज़ करनी चाहिए?
कोड की रिपीटेशन से बच जाते हैं हम. और जैसे नेविगेशन बार है, अगर मेरे चार पेज की वेबसाइट है तो वो नेविगेशन बार उसमें क्या होगा, उस चार पेजेस में बिल्कुल सेम होगा और उसकी जो सीएसएस है वो भी सेम होगी एक्चुअली. तो अगर मैं अलग अलग पेजेस में अलग अलग सीएसएस लिखता हूँ तो वो एक ही सीएसएस मुझे चार दफ़ा रिपीट करनी पड़ेगी, ठीक है. लिहाजा मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बना देता हूँ और उस फाइल को चारों पेजेस से लिंक करवा देता हूँ. तो मैं होता क्या है कि उस फाइल में मैं एक दफ़ा सीएसएस लिखता हूँ और वो चारों पे अप्लाई हो जाती है. तो बस इसी को इन्होंने ज़रा मज़ीद डिटेल में यहाँ लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, होपफुली इसमें आपको कुछ मज़ीद सीखने को मिल जाए. अच्छा जी, ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ये समरी है, इसको ज़रा पढ़ लें फिर हम आगे चलते हैं. 5 मिनट हैं आपके पास.